रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को लेकर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म IIAS ने आपत्ति जताई है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्या है पूरी खबर जानते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए, IIAS ने क्या रिपोर्ट जारी की है और क्यों? बिल्कुल सर, हर कंपनी में रोटेशनल बेसिस पे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते रिटायर्ड होते हैं, AGM में प्रस्ताव रखा जाता है, तो रिलायंस के बोर्ड ने भी AGM में प्रस्ताव रखा था और IIAS ने जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे रीअपॉइंटमेंट होने वाला था अनंत अंबानी का, वहाँ पे आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके जो वोटिंग गाइडलाइंस है उसके उसमें वो एलिजिबल नहीं होते, जिसके चलते उन्होंने जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको उस पर जो कहा है कि वो उसके खिलाफ है, अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया है। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर होने वाली थी रोटेशनल बेसिस पे नियुक्ति अनंत अंबानी की, और इसके अलावा साथ ही साथ आकाश और ईशा की भी रोटेशनल बेसिस पर ही नियुक्ति होने वाली है। 28 साल की उम्र है अनंत अंबानी की, उनका कहना है कि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार या तो आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो या फिर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। आकाश और ईशा की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो उम्र है वो 31 साल की है, तो वो एलिजिबल करते हैं, लेकिन अनंत अंबानी इसमें एलिजिबल नहीं कर पा रहे, जिसके चलते IIAS ने जो है वो आपत्ति जताई है और जो प्रस्ताव है AGM में जो प्रस्ताव रखा था उसके खिलाफ वोटिंग करने की सिफारिश दी है अपने इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स हैं उनको। इंटरेस्टिंग है वो रिलायंस के बोर्ड नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कम से कम ये है कि IIAS ने रिपोर्ट तो जारी की है। ये मानना पड़ेगा कि उनका ये कहना है कि या तो 10 साल का अनुभव हो या 30 साल से ज्यादा की उम्र हो, और लेकिन उनका ये कहना है कि दो और जो प्रमोटर्स फैमिली से बोर्ड पर है वो चूंकि 30 साल से ज्यादा के हैं तो इसलिए आपत्ति नहीं, लेकिन फिलहाल अनंत अंबानी जो 30 साल से कम है उनको लेकर IIAS ने आपत्ति जारी की है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये कहा कि जब भी AGM में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो तो इसके वोटिंग चल रही है, वोटिंग चालू है। अच्छा, 26 अक्टूबर को खत्म होगी, 26 को, हाँ अभी चल रही है इन प्रोसेस है, तो अच्छा, वो आजकल तो वैसे वोटिंग होती है, वन मंथ का पीरियड आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ। ओके, तो तब तक आप वोट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में वोट करें, ये IIAS की एडवाइजरी है। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो ये है आपके लिए व्यू। वैसे बाय द वे रिलायंस स्टॉक इस समय थोड़ा ठीक ठाक मूड में दिख रहा है, कुछ ज्यादा एक्शन इस पे आ रही है, इनफैक्ट डेज हाई पर इस समय रिलायंस आपको आते हुए दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा निफ्टी को भी सपोर्ट सहारा रिलायंस की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है इस समय।